बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्न विद फहद अली यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लकी ड्रा में जिसने हिस्सा लिया था, कौन विनर निकल कर आया, और साथ ही साथ उस विनर का हम लोग चैनल देखेंगे, और चैनल के साथ साथ उसकी जो जो मिस्टेक होंगी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों ने यह करना है, इस ही वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है, और कमेंट्स में आप लोगों ने लिखना है अर्न विद फहद अली, ताकि नेक्स्ट जो एपिसोड हो, अगर आप चाहते हैं आपकी गलतियां दूर हो जाएं आपके चैनल से और आपके पास व्यूज हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये एपिसोड लाजमी देखना चाहिए। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैनल आ गया है सामने, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वो कौन सी वीडियो थी जिसमें ये हमारे पास वीडियो थी। और इस वीडियो को मैं अगर प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस किस ने इसके नीचे कमेंट्स किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कमेंट्स पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 47 कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं मुझे तो, और यहाँ पे काफ़ी ने डबल भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ और इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आप लोगों के सामने किया कॉपी, और ये रैंडम कमेंट्स पिकर एक वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र, और देखते हैं कि हमारे पास कितने कमेंट्स अब निकल के आते हैं। 47 कमेंट्स थे, अब हमारे पास हो गए हैं 32 कमेंट्स, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने कौन लकी ड्रा में जिसने हिस्सा लिया है, कौन विनर निकल कर आता है। ये मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन विनर हमारे सामने आया है। करोड़ी रसोड़ी रेसिपी ही कौन सा नाम है, खैर जो भी नाम है, चैनल हमारे लिए सबके, ये इंडिया का चैनल है, और इन्होंने लिखा है आपको कामयाबी दे आमीन अर्न विद फहद अली। आप लोगों ने भी इस वीडियो के नीचे यही लिखना है। अब हम इनकी वीडियोस को चेक करते हैं, इनके चैनल्स को चेक करते हैं, और इनका चैनल्स के चैनल के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हम मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू करता हूँ। तो इनकी सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है इनका लोगो, इनका लोगो नहीं लगा हुआ। दूसरी मिस्टेक है इनका चैनल आर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल आर्ट होता है, और सॉरी यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे पेन ओपन करूँ ताकि इनको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बता सकें और बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये नहीं। सबसे पहले यहाँ पर इनका लोगो वो नहीं लगा हुआ, उसके बाद चैनल आर्ट, यहाँ पे चैनल आर्ट नहीं लगा हुआ, चैनल आर्ट आप लगाएं जो भी हैं, ठीक है। इसको हम वीडियोस पे क्लिक करते हैं, और अगर आप इनके नॉर्मली अगर हम इनकी थंबनेल्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इनकी थंबनेल्स इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी थंबनेल्स इनकी बुरी नहीं है, लेकिन इन आपको चाहिए थंबनेल को थोड़ा और इनक्रीज करो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इनका चैनल है तकरीबन 8 मंथ पुराना, और हम 10 ओवर्स अगो और ये वीडियो इनकी प्ले करके देखते हैं, और साथ साथ इनकी मिस्टेक बताते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक इनकी बताना चाहूँगा मैं, जो कि देखते साथ नज़र आ गई, डिस्क्रिप्शन उन्होंने सही लिखी है, लेकिन हम बात करते हैं टाइटल से। तो यहाँ पर आप लोग देखें होम मेड कलाकंद, और इन्होंने आगे दिया है स्पेस, और फिर दिया है पाइपलाइन, और फिर दिया है स्पेस, तो इसका मतलब है ये सही है, यही तरीक़ेकार होना चाहिए, तो ये आपका ओके है। उसके बाद आपने कलाकंद होममेड फास्ट एंड इजी मिठाई रेसिपी, और फिर उसके बाद पाइपलाइन, और उसके बाद फिर पाइपलाइन, इसका मतलब ये हुआ एक पाइपलाइन, दो पाइपलाइन, और ये 3 पाइपलाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका एक बेसिकली जो टाइटल होता है ना, ये आपने रखा हुआ अपनी मर्जी से टाइटल, ये मेरी नज़र में अगर आप लोग देखें तो ये एक प्राइमरी टैग होना चाहिए पहला, उसके बाद दूसरा सेकेंडरी टैग, दूसरा उसके बाद तीसरा एक और टैग आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब 100 करेक्टर्स के हमारे पास ऑप्शन है, 100 करेक्टर्स के अंदर आप जितने मर्जी टैग्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे इनके 4 टैग्स लगे हुए, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ये, और चौथा ये वाला। उसके बाद वही टैग्स को इन्होंने कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, तो ये ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनकी मेजर मिस्टेक ये है कि इन्होंने नीचे देख सकते हैं कि बिल्कुल पाइपलाइन, फिर पाइपलाइन, फिर पाइपलाइन, इस पूरी डिस्क्रिप्शन में इन्होंने पाइपलाइन ही यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे भी देख सकते हैं, इसका मतलब है ये तो इन्होंने कीवर्ड्स
जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हम कोमा लगा के आगे लगाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। ये जो काम होता है, अक्सर आपने देखा कि स्पैमिंग हो रही है आपके चैनल पे, अक्सर आपको कॉपीराइट इशू आ जाता है, अक्सर आपको देखा होगा कि आपके चैनल में स्पैमिंग का एरर आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, तो ये वही चीज़ें हैं। तो आपने इसमें पाइप से नहीं यूज़ करने, आपने क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल बताता हूँ कि स्टाइल क्या होना चाहिए आपका। आपने लिखा होम मेड कलाकंद, ये देखें, अब मेरी नज़र में ये आपका प्राइमरी टैग है। प्राइमरी टैग को क्या करना है, आपने प्राइमरी टैग जब आपने होम मेड कलाकंद कर लिया, उसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन शुरू होगी ना, वो होम मेड कलाकंद आपने डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखनी है जान के, और बार बार आपने 2-3 पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी है कि होम मेड कलाकंद, होम मेड कलाकंद, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया दूसरा कीवर्ड इजी मिठाई रेसिपी, अब यहाँ पे मिठाई एक्स्ट्रा चीज़ होगी। तो जब आपने तीसरा पैराग्राफ बनाना है या दूसरा पैराग्राफ बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसको मिठाई की बातें करनी है जान जान के, ठीक है। उसके बाद जब आपने तीसरा कीवर्ड्स लिखाना है, अब यहाँ पे रसोड़ी रेसिपी, ये आपके अपने चैनल का नाम है, हाँ जी आपके अपने चैनल का नाम है, तो इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ये मत लिखें। आप इससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने जो आपने चीज़ बनाई है उसके बारे में लिखो, ना कि आप अपना नाम, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता ना, लोगों को आप कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, नहीं, लोगों को सिर्फ कोशिश करें, जो दिखाना है वो है आपका काम, अपने आप को ना दिखाएं। जब आपका काम लोगों को अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली लोग आपको जानने लग जाएंगे। तो टाइटल में अपना जो आपका जो चैनल का नाम है वो इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने टाइटल लिखा है, यही टाइटल को हैशटैग में लगा के आपने ऊपर लिखना होता है, ठीक है, जबकि आपने ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग आपने लिखी हुई चीज़ें, तो आपने ये गलती कर दी है, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपके जो हैशटैग हैं वो आपने इस स्टाइल में नहीं लिखने, आप मेरी इस वीडियो के नीचे देख लेना बेशक कि मैंने किस तरह अपने जो हैशटैग है उसको मेंटेन किया हुआ है, तो आपने उस तरह तरीके से मेंटेन करने हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स आपको कोई नहीं आया हुआ, ये हो गया। उसके बाद थंबनेल्स आपका मैंने बता दिया, टाइटल वगैरह। उसके बाद आपके पास आते हैं हैशटैग्स। हैशटैग आपने कोशिश करनी है, हैशटैग जो है ना, ये जो टाइटल पहले आपका ये प्राइमरी है, तो ये टैग के अंदर पहला प्राइमरी जो टैग होगा वो ये होगा आपका, ठीक है, और जो सेकंड होगा वो ये होगा, थर्ड जो होगा वो ये होगा, फोर्थ ये होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये होगा नहीं आपकी जो चैनल का नाम है, तो जो चैनल का नाम है वो हमेशा एंड पे रखा जाता है। मैं अगर आपको अपनी लाइव एक चीज़ दिखाऊं, अगर ये देखें, मैं आपको अपना अगर कोई भी वीडियो ओपन करके दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कंटेंट में आता हूं, और यहां से अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं और अपलोड करने के बाद शो मोर करता हूं और आपको टैग्स दिखाना चाहता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं जो अर्न वीर फहद अली, ये एक सबसे लास्ट में मैंने टैग लगाया हुआ है, तो कोशिश करें सबसे लास्ट में इसको यूज़ करें अपना जो चैनल का नाम है। फ्रेंड्स, अब अगर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं आपकी मिस्टेक्स का आइडिया हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें अर्न वीर फहद अली लिख के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन मेरी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।